हाय एवरीवन, दिस इज निकिता हियर। और आज इस वीडियो में मैं गायत्री मंत्र के बारे में बात करूंगी। गायत्री मंत्र का मीनिंग क्या है, इसको कब और कैसे करना है और इसके साइकोलॉजिकल और हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं, इस बारे में मैं बात करूंगी। गायत्री मंत्र का मीनिंग, सबसे पहले तो गायत्री गॉडेस को वेद माता बोला जाता था, मतलब शी वॉज कंसिडर्ड एज मदर ऑफ ऑल वेदास। अब इसका मीनिंग क्या है, सो बेसिकली इस मंत्र का मीनिंग ये है कि हम इस मंत्र में इस मंत्र को बोलकर जो हमारे सूर्य देवता हैं या फिर हमारे जो क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स, उनको प्रे करते हैं और बोलते हैं कि हमारे जिंदगी में, हमारी लाइफ में जितनी भी डार्कनेस है उसको रिमूव करके हमारे लाइफ में लाइट इल्यूमिनेट करें, हमारा मेंटल पावर इंक्रीज करें और इंटेलेक्ट इंक्रीज करें। सो इस मंत्र का ये मीनिंग है। नाउ इसको कब करना है और ऐसे करना है, बिफोर टेलिंग यू अबाउट इट, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पीपल आस्क इन मंत्र के जो पीछे का रीजन है कि कैसे काम करते हैं, इनके बेनिफिट्स कैसे हो सकते हैं एक मंत्र के बोलने से, इनके पीछे की रेशनैलिटी क्या है। सो बेसिकली हर एक बोला हुआ शब्द अफर्मेशन होता है, राइट? सो हम जो बोलते हैं वही हम अपनी लाइफ में क्रिएट करते हैं और वही मैनिफेस्ट करते हैं। तो ये जो मंत्र का अभी मैंने आपको मीनिंग बताया, उस मंत्र का मीनिंग ही वो एक अफर्मेशन की तरह है। जब हम इसे 108 बार चैंट करते हैं, दिन में कितनी बार भी चैंट करते हैं, तो वो एक अफर्मेशन बन जाता है। सिंस इस मंत्र का मीनिंग बहुत ही पॉजिटिव है, सो ये हमारी लाइफ को भी पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है और इसी वजह से इसके साइकोलॉजिकल और हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। टॉकिंग अबाउट अब इसको कब और कैसे करना है, कितनी बार कर सकते हैं, कितनी बार भी इसे चैंट कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। वैसे प्रेफरेबल टाइम इसका सुबह होता है, सूर्य देवता सन की तरफ फेस करके डीप ब्रीथ लेकर मेडिटेट करके इस मंत्र को बोलना चाहिए, वो उसका प्रेफरेबल टाइम है। और इसको अदरवाइज कितनी बार भी और किसी भी टाइम पे कर सकते हैं। कमिंग टू द बेनिफिट्स, अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूं तो सबसे पहले आपके माइंड को काम करता है, किसी भी तरीके की स्ट्रेस एंग्जाइटी को रिमूव करता है क्योंकि मंत्र बहुत पॉजिटिव है। जब किसी इंसान को डिप्रेशन होता है तो उसका एक बायोलॉजिकल रीजन होता है कि उनके अंदर एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, हमारे अंदर सेरोटोनिन, वो डिक्रीज हो जाता है। बट दिस मंत्र हेल्प अस इन इंक्रीजिंग आवर सेरोटोनिन लेवल। तो इस वजह से किसी भी तरीके की एंग्जाइटी, किसी भी तरह का इरिटेबिलिटी, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन वो नहीं हो सकता अगर आप इस मंत्र को रेगुलरली चैंट करेंगे। अनदर बेनिफिट इज ये कंसंट्रेशन और लर्निंग पावर को इंक्रीज करता है एंड हेंस ये स्टूडेंट्स और जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है क्योंकि आपकी मेंटल पावर को, कंसंट्रेशन लेवल को और लर्निंग एबिलिटी इंक्रीज कर देता है। बेसिकली इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये आपके जो थर्ड आई चक्र है और जो क्राउन चक्र है उसको एक्टिवेट कर देता है। कैसे? जो आपका बेसिकली क्राउन चक्र की अगर मैं बात करूँ तो आपके टॉप ऑफ द हेड पे प्रेजेंट होता है। अगर किसी का ये क्राउन चक्र ब्लॉक होता है तो वो मोस्टली स्ट्रेस, एंग्जाइटी या फिर डिप्रेशन में रहता है। किसी भी तरीके की मेंटल इलनेस होती है तो उसका मतलब होता है कि उनका क्राउन चक्र ब्लॉक्ड है। ये आपकी कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाता है, आपकी ये मंत्र आपकी कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाता है, आपकी अवेयरनेस इंक्रीज करता है, आपकी इंटेलेक्ट को इंक्रीज करता है। और इस वजह से, इस तरीके से आप गायत्री मंत्र के थ्रू अपना जो क्राउन चक्र है उसे एक्टिवेट कर सकते हैं। जिनका क्राउन चक्र एक्टिवेट होता है उनकी अवेयरनेस पावर, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा अवेयर रहते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा उनका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है। तो ये स्टूडेंट्स और जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर आपको थर्ड आई चक्र इंक्रीज एक्टिवेट करना है, ओपन करना है, तो बेसिकली आपको क्या करना है, 2-3 मिनट के लिए अपनी आईज क्लोज करके डीप ब्रीथ लेकर मेंटली इस मंत्र को रिसाइट कीजिए और ऐसे फोकस करिए कि आपकी जो थर्ड आई है, दैट इज योर थर्ड आई चक्र, आईब्रोज के बीच में होता है, वहां से वाइब्रेशन रिलीज हो रही है। सो इस वजह से ये एक्टिवेट करता है थर्ड आई चक्र ऑल्सो, दैट इज प्रेजेंट बिटवीन योर आईब्रोज। तो जिनका भी थर्ड आई चक्र ब्लॉक होता है उनका कंसंट्रेशन लेवल बहुत ही लो होता है और वो ज़्यादा इंटुएटिव नहीं होते। जिनका थर्ड आई चक्र ओपन होता है उनका इंटुएशन बहुत ही अच्छा होता है, वो बिगर पिक्चर देख सकते हैं, वो अपनी गट फीलिंग के साथ रहते हैं, उनका इमेजिनेशन बहुत अच्छा होता है। इस वजह से दिस मंत्र एक्टिवेट्स योर थर्ड आई चक्र, इट एक्टिवेट्स योर क्राउन चक्र ऑल्सो। और इस वजह से ये आपके माइंड को भी काम करता है, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है आपके माइंड को, ये रिलैक्स करता है आपके माइंड को एंड ऑल्सो इट डिक्रीजेस स्ट्रेस, एंग्जाइटी और आपकी मेंटल पावर, आपके फोकस को इंक्रीज कर देता है। अनदर बेनिफिट इज क्योंकि
इस मंत्र को हम डीप ब्रीथ के साथ मेंटली रिसाइट करके बोलते हैं तो ये हमारी ब्रीदिंग एबिलिटी को अच्छा करता है, ये हमारे हार्ट बीट इम्प्रूव करता है, हार्ट रेट को इम्प्रूव करता है, ये हमारी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करता है और ये अस्थमा जैसे सिम्टम्स को भी डिक्रीज करता है। और इसका एक और बेनिफिट है कि आपकी स्किन में भी ग्लो लाता है। सो ये सारे कुछ इसके बेनिफिट्स हैं। इस मंत्र के पीछे की रेशनैलिटी यही है कि इस मंत्र का जो मीनिंग है वो बहुत ही पॉजिटिव है। हम प्रे करते हैं सूर्य देवता से कि हमारे जो इंटेलेक्ट है वो उसे इंक्रीज करे, किसी भी तरीके की डार्कनेस को रिमूव करे। इस वजह से आप अपना थर्ड आई चक्र और अपना क्राउन चक्र भी इसके थ्रू एक्टिवेट कर सकते हैं। अनदर टिप इज When I was a child, मुझे childhood में एक डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कभी भी रात में नींद ना आए या फिर आपको रात में बेचैनी हो तो आप अपने फिंगर टिप्स पे काउंट करें गायत्री मंत्र और उसे काउंट करते करते सोइए। तो मैं कई बार जब होता है कि आपको नींद नहीं आती या आप स्ट्रेस में होते हैं या आपको बेचैनी होती है तो रात में आप गायत्री मंत्र को चैंट करते करते सो सकते हैं और ये आपको नींद लाने में भी बहुत ही बेनिफिशियल होता है। सो ये कुछ इसके बेनिफिट्स थे गायत्री मंत्र के एंड वॉज अ रिक्वेस्टेड वीडियो। सो आई होप यू वुड हैव फाउंड दिस हेल्पफुल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।